हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के दिल में बना परिक्रमा रेस्टोरेंट, जिससे कि आप अगर दिन में आते हैं यहाँ पर तो आपको ऐसे शानदार नज़ारे देखने में मिलेंगे। कहा तो जाता है कि अगर सूरज एकदम साफ हो तो आप यहाँ से आपको कुतुब मीनार तक दिखाई दे सकता है। और इसका जो व्यू है पूरा, मतलब आप यहाँ से आपको बंगला साहिब गुरुद्वारा भी दिखाई देगा, बिरला मंदिर भी दिखाई देगा, राष्ट्रपति भवन भी, संसद भी। तो ये बहुत ही शानदार व्यू लेते हैं, आप यहाँ पे खाने का आनंद भी लें और साथ साथ व्यू भी लें। इसके बाद हम दिखाएंगे कि रात में यहाँ से दिल्ली कैसी दिखती है 25वीं मंजिल से, और रात को परिक्रमा रेस्टोरेंट का नज़ारा कैसा होता है। दिल्ली में आपने रेस्टोरेंट्स तो बहुत देखे होंगे और खाना भी बहुत जगह खाया होगा, लेकिन आज हम आपको लेके चल रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बने परिक्रमा रेस्टोरेंट में। और ये परिक्रमा रेस्टोरेंट आपको पूरे दिल्ली के दर्शन भी करा देगा खाते खाते। तो अब हम आपको कराते हैं परिक्रमा की परिक्रमा। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के दिल में बसा है परिक्रमा रेस्टोरेंट। अंतरिक्ष भवन की 24वीं मंजिल में बनाए रेस्टोरेंट पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश में और विदेशों में ही मशहूर है। तो क्या है यहाँ की खासियत, ये जानने हम पहुँचे हैं आज परिक्रमा रेस्टोरेंट। और हमारे साथ हैं परिक्रमा रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर रजनीश खन्ना जी, जो हमें बताएंगे इस रेस्टोरेंट की खासियत और यहाँ की जो डिश हैं क्या क्या डिश हैं। रजनीश जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। आपका भी परिक्रमा रेस्टोरेंट में स्वागत है। तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या यहाँ की खासियत है। सर, यहाँ की खासियत एक तो ये दिल्ली का एक ही रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और इंडिया का हाईएस्ट, और साथ में 28-29 साल पुराना हो गया, और लोगों का प्यार है कि जो रेस्टोरेंट अभी तक बहुत अच्छा चलता है। 10-11 साल हो गए हैं, जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है और सीपी साइड में अगर आना हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे ही आया जाए, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी लाजवाब है। अगर पंजाबी डिशेज़ की बात करें तो मैं ज़्यादातर मतलब वेजिटेरियन खाता हूँ, जैसे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्नैक्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और बाकी जो है मेन कोर्स है वो भी इनका काफ़ी टेस्टी है। कोई भी आइटम ले लीजिए आप, जैसे ये इनका ये स्पेशलिटी जो इनकी ये वेज कोन है, तो ये इतना टेस्टी लगता है कि ये बहुत ही मतलब ये लाजवाब खाना, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है इनकी। खासियत इसकी खाने जो इसीलिए इतना लंबा चल रहा है, वो जो आप देखा ही है खाना भी, आपके कुछ मंगाया आपको आइटम्स मंगाई है, जैसे ये कॉर्न सॉल्ट एंड पेपर है, ये रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके अलावा एक तंदूरी चिकन है, ये हमारा सिग्नेचर डिश है जो 30 साल से एक ही रेसिपी पे चल रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक इंडियन फूड हम प्रोवाइड करते हैं। और चाइनीज़ भी है कुछ, दैट इज़ चिकन ड्रमस्टिक, ये भी एक वन ऑफ द हॉट सेलिंग फेवरेट जो है रेस्टोरेंट का है। वेज में क्या आप नॉन वेज? वेजिटेरियन में हमारा तंदूर में जैसे पनीर टिक्का है, उसके अलावा सोया चाप है जो आजकल लोगों को सोया से रिलेटेड है, भरवा आलू है, बहुत सारी आइटम्स है। ये जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देखा, ये राष्ट्रपति भवन, बिरला मंदिर, तमाम तरह के चीज़ बनाए, ये क्या? ये बेसिकली आप दिन में आएंगे तो जो जो चीज़ हमने यहाँ मेंशन की हुई है, जो आप सामने बैठ के आप पूरा विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे सामने प्रेसिडेंट हाउस है तो आप बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि अब प्रेसिडेंट हाउस आने वाला है। 90 मिनट में एक आप ग्राउंड ले लेते हैं दिल्ली का, और पूरी दिल्ली आप 90 मिनट में घूम सकते हैं, जो मेरे हिसाब से यहाँ ट्रैफिक के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप जब भी आएंगे यू विल फाइंड सो मैनी टूरिस्ट सिटिंग, फॉरनर भी बहुत बैठे हैं, मतलब एक व्यू का तो कोई जवाब ही अलग है सर।
केक का कॉन्सेप्ट क्या है, कब से बनाया और क्या है? ये 1990 में बना था, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, 1990 में बना था, तब से चल रहा है, घूम रहा है। तो कहाँ से आइडिया कहाँ से आया सर? ये बेसिकली फॉरेन कंट्री में तो बहुत है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स, बट इंडिया में दिल्ली में इतनी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर अभी तक एक ही बना है, आंसर्स ने बनाया था ये अपने टाइम पे, बट इट इज़ वेरी गुड। तो ये 24 घंटे टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती है? 12:30 इन द आफ्टरनून से लेकर रात के 12:30 तक। मैं अगर आपसे पूछूंगी, अगर एक फैमिली आती है, जैसे अगर जो बजट हिसाब से भी देखें तो एक फैमिली वेज है, तो वो कितने में आराम से उनको एंजॉय करके जा सकते हैं, व्यू भी एंजॉय करें और फूड भी एंजॉय करें? इसकी कॉस्टिंग है 800 से 1000 रुपये पर हेड आता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अगर आदमी खाना खाए तो बड़े आराम से उसका इतने में अरिंग हाँ ईजिली हो जाता है। अगर जैसे किसी को कोई पार्टी वगैरह करनी है या ऐसी चीज़ें हो पाती हैं? हमारा ऊपर, हमारा यहाँ भी करते हैं पार्टी, उसके ऊपर हमारा एक रूफटॉप भी है, लाउंज है, जहाँ पे हम 50-60 तक की पार्टी बड़े आराम से कर लेते हैं, जिसमें व्यू सेम ही रहता है बट वो सिर्फ घूमता नहीं। जैसे मैंने कनॉट प्लेस के कई रेस्टोरेंट्स में देखा है कि जब किसी का कोई बर्थडे है तो वो केक प्रोवाइड करते हैं और फिर आके पूरा वो पूरा स्टाफ आके करवाता है, ऐसा आपके यहाँ भी कहीं कुछ करते हैं? सर यहाँ पे बेसिकली ना रेस्टोरेंट ये बहुत छोटा था, बड़ा कंजेस्टेड था, तो गेस्ट जो है डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है ये, तो यहाँ पे इतना शोर शराबा जो है ना, गेस्ट कई बार ना माइंड कर जाते हैं, वो लाउंजेस वगैरह में तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ म्यूजिक भी तेज है, सब कुछ तेज है, तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट रेस्टोरेंट के अंदर थोड़ा सा कई बार कॉर्पोरेट गेस्ट बैठे हुए हैं, तो कॉर्पोरेट गेस्ट बैठे हैं वो बड़े सारे तरीके के लोग बैठे होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा उनको लगता है कि यार डिस्टर्बेंस ही हो रही है, तो ये स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में आता है तो इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम लो ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि म्यूजिक भी डाउन है, सब कुछ डाउन रहता है। देखिए बस क्यों बहुत रहता है, कितना अगर आपको आना या खाना खाने के लिए तो कितना टाइम लेके आएंगे? देखिए टाइम तो आप लेके आइए, क्यों तो रहता ही है सर, क्योंकि खाना थोड़ा सा अच्छा है माशाल्लाह, बट अगर आप रिजर्वेशन करा लें तो वो बढ़िया है, क्योंकि लोग रिजर्वेशन आजकल करा लेते हैं, जो हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिससे आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा और आपका नंबर भी बड़े आराम से आता है, फोन से भी हो जाता है बड़े आराम से आता है, आपके नंबर पर फोन करके यहाँ तक हम इस टाइम आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये अभी आपने यहाँ की डिशेज देखी, और इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी जो खासियत है कि आप अगर दिल्ली के एक कोने पर बैठे हैं, जैसे हम कनॉट प्लेस में भी बैठे हैं, तो आपको धीरे 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 90 मिनट का राउंड में ये रेस्टोरेंट आपको राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, जितने भी पूरी दिल्ली का एक दर्शन करा देगा। तो जैसा कि अभी खन्ना जी ने कहा कि आप 90 मिनट में दिल्ली हो सकता ना घूम पाएं, लेकिन यहाँ बैठ के 90 मिनट में आप पूरी दिल्ली के दर्शन कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। और अब आप खाना खाते खाते आप पता लगा कनॉट प्लेस में बैठे हैं और जाके चांदनी चौक में निकले आप, तो ये इस तरह का ये रेस्टोरेंट है, अपने आप में दिल्ली का इकलौता और पहला रेस्टोरेंट है, यही इसकी खासियत है।